नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। झारखंड में भूमि विवाद बढ़ रही है। इस विषय को लेकर अमीन एसोसिएशन द्वारा एक बैठक रखी गई है। आइए सुनते हैं इस बैठक में क्या विषय पर चर्चा की गई। आज हम लोग झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन के सदस्य लोग इस धरातल पर जुड़े हैं कि आप लोग डेली अखबार के माध्यम से देखते हैं और शहर में आप लोग खुद भी महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि डेली दिन प्रतिदिन भूमि विवाद बढ़ रही है, हत्याएं हो रही हैं जिस पे कोई लगाम नहीं लग पा रहा है। तो आज हम ये जो जमीन से मामला जुड़ा है इसका सलटारा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उपाय है अमीन, और लगभग सभी अंचलों में अमीन की काफ़ी दिक्कत है। आप अंचलों में पता करेंगे भूमि नापी के लिए आवेदन दिया जाता है लेकिन हजारों की संख्या में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, नापी नहीं हो पा रहा। नापी नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा भूमि विवाद हो रहा है और ये नापी सिर्फ अमीन के माध्यम के द्वारा ही किया जा सकता है, जो कि सभी अंचलों में अमीन की बहुत कमी है। और यहाँ जितने लोग हैं और कुछ लोग नहीं भी आ पाए हैं तो सब लोगों प्रशिक्षित अमीन है, सब लोगों ने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, एक साल का प्रशिक्षण लिया है। सरकार के द्वारा लगातार बोला जाता है कि अमीनों की कमी है इसलिए हम अमीन की बहाली नहीं निकाल रहे। 2017 में अमीन की बहाली निकली थी, उस समय बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित लोग नहीं हुए थे, इस कारण से सीटें नहीं भर पाई थी। लेकिन 2017 के बाद 2022 हो गई है, हजारों की संख्या में प्रशिक्षित लोग आज एकत्रित हैं, खड़े हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। इससे उन लोगों को बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो रही है और भूमि विवाद भी कम नहीं हो पा रहा है। और तीसरी बात, अमीनों को रोजगार देने से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर अमीन किसी का आवेदन पर नापी करने जाते हैं तो उसमें सरकार को राजस्व बढ़ता है। हर नापी के पीछे सरकार का एक मिनिमम शुल्क तय किया गया, लगभग 1000 रुपया वो मिनिमम जाता है, उससे अधिक भी मिलता है लेकिन उससे कम नहीं मिलता है। इसलिए हमारे सरकार से मांग है कि हम प्रशिक्षित अमीनों को जल्द से जल्द अस्थाई बहाली करें, क्योंकि सरकार से हम लोग मिलने का प्रयास करते हैं तो उनके सचिव के द्वारा बोला जाता है कि आप लोगों की बात सुनी जाएगी, जल्द से जल्द बहाली निकाली जाएगी, लेकिन देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया जाता है तो उन्हें सिर्फ दिहाड़ी मजदूर बनाया जाता है, 10 से 15 हज़ार रुपये का नौकरी दिया जाता है, वो भी समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तो आखिर हमने प्रशिक्षण लिया क्यों, जब दिहाड़ी मजदूरी बनना है तो हमने प्रशिक्षण दिया क्यों गया, हमें पढ़ाया क्यों गया, हम ऐसे भी अब कर सकते थे। तो हमारा यही मांग है कि हम प्रशिक्षित अमीन हैं, सरकार जल्द से जल्द अस्थाई बहाली लाए और हम सब अमीनों को रोजगार दे और राज्य में हो रहे भूमि विवाद को कम करे, जिससे राज्य का कोष भी बढ़ेगा। हमारा रणनीति, हमने राज्यपाल को आवेदन दिया है, हमारे राज्यपाल जैसे हम लोगों उधर से सूचना आती है हम लोग उनसे मिलके किस तरह से भूमि विवाद को कम किया जाए उनके समक्ष बात रखेंगे, रोजगार के मुद्दा पे भी बात रखेंगे, क्योंकि हमने सरकार के पास भी लगभग 3 से 4 बार आवेदन दे चुका है लेकिन इसका रिजल्ट हम लोगों को 0 मिला। तो हम लोग एक बार अब राज्यपाल से मिलके उनके समक्ष बात रखेंगे, उनका बात जानेंगे कि वो क्या बताते हैं। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि उनसे मिलने के बाद अमीनों की बहाली आएगी और राज्य में भूमि विवाद कम होगा और लोगों की बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। गौरव अग्रवाल, अध्यक्ष, झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन। सबसे पहले तो राज्य में 265 लगभग प्रखंड है और हर प्रखंड में अंचल होता है और हर अंचल में एक अमीन मिनिमम होना ही चाहिए, जो कि आज के डेट में अगर आप RTI के माध्यम से या सरकारी डाटा के माध्यम से अगर आप पता करें तो पूरे राज्य में 10% अंचल में भी अमीन सरकारी अमीन नहीं है, जिसकी वजह से आज ज़मीन की खरीदगी और बिक्री तो जोरों पर है लेकिन हम ज़मीन खरीद लेते हैं उसके बाद जब उसकी नापी की बारी आती है, जब हम उसको लैंडमार्क करना चाहते हैं तो हमें सरकारी अमीन मुहैया नहीं होता है, जिसकी वजह से गलत सलत नापी हो जाता है, थोड़ा बहुत इधर किसी और का ज़मीन में 2 फीट हम चढ़ जाते हैं वो हमारे में चढ़ जाता है, और इस तरीके से विवाद लगातार राज्य में लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है और इसके कारण से हत्याएं आज के डेट में अगर आप निकालें पिछले 5 साल या 10 साल में आप निकालें खाका तो सबसे ज़्यादा अगर हत्याएँ हुई है तो उसके जड़ पर ज़मीन विवाद है और आज एक से एक ज़मीन कारोबारी पैदा हो रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़मीन को कैसे सुरक्षित करें, इसके लिए अमीन का होना अति आवश्यक है। ज़मीन मतलब अमीन, अमीन रहेगा तो ज़मीन सुरक्षित रहेगा। मेरा नाम अमन कुमार तिवारी, झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन संयोजक। इस बैठक में झारखंड सरकार से ये आग्रह किया गया, हम लोग प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, हम लोगों की बहाली की जाए तभी भूमि विवाद रुकेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।